राजस्थान लैपटॉप वितरण योजना के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान बोर्ड की कक्षाएं जैसे कि 8वीं, 10वीं, 12वीं में 75% अंक से अधिक अंक लाने वाले हर विद्यार्थी, हर स्टूडेंट को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना राजस्थान लैपटॉप वितरण योजना के तहत इनको लैपटॉप दिया जाता है। इस कल्याणकारी लैपटॉप वितरण योजना की बात करें तो पिछले 4 वर्षों से इन विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित नहीं किए गए राज्य सरकार की तरफ से। 2022 के साल के अंत में राज्य सरकार ने स्टूडेंटों से ये दावा किया था कि हम स्टूडेंटों को लैपटॉप की जगह पीसी टैबलेट है वो वितरित करेंगे, पीसी टैबलेट है वो स्टूडेंटों को देंगे। तो राजस्थान सरकार अब कब वितरित करेगी बोर्ड के इन स्टूडेंटों को पीसी टैबलेट, पूरी वीडियो में जानकारी बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। खबर आई है 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक लाने वाले को मिलेंगे टैबलेट। अब देखिए 93,000 छात्रों को 4 साल से लैपटॉप का इंतजार है, 4 साल से इंतजार करे स्टूडेंट, उनको लैपटॉप कब मिलेगा। बोर्ड परीक्षा के मेगावी छात्रों को पिछले 4 साल से लैपटॉप या टैबलेट का इंतजार बना हुआ है। कोरोना के बाद शिक्षण व्यवस्था वापसी पटरी पर लौट चुकी है, लेकिन राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना के लाभ छात्रों को नहीं मिल रहा। 2018 में लैपटॉप वितरित हुए थे बीजेपी सरकार में, उसके बाद कांग्रेस सरकार में 4 साल हो चुके, लैपटॉप वितरित नहीं किए गए, जिसमें 2019, 2020, 2021 और 2022 इन 4 सालों में लैपटॉप वितरित नहीं किए गए हैं, और ना ही राज्य सरकार की तरफ से इन योजना के लिए बजट जारी किया गया हो। कि बजट 2023 के बजट के छात्रों के साथ साथ शिक्षा विभाग को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन मायूसी ही हाथ लगी कि इस बजट में कोई इस योजना को लेकर बजट जारी किया जाएगा, लेकिन इस बजट में कोई भी बजट है वो जारी नहीं किया गया। अब देखिए इसका सवाल, इस सवाल का जवाब ना तो अब तक सरकार के पास है, ना ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास। देखिए बात करें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की, भी कह रहे हैं कि पात्र छात्रों को लैपटॉप की जगह टैबलेट मिलेंगे। ये सरकार का दावा था कि लैपटॉप की जगह टैबलेट दिए जाएंगे, टैबलेट भी है वो मिलेंगे कब, लेकिन मिलेंगे कब इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। अब 2019 में जो स्टूडेंट ने 12वीं की परीक्षा दी थी आज वो फाइनल ईयर में पढ़ रहा है, और जिस स्टूडेंट ने 8वीं का एग्जाम दिया था वो आज 12th क्लास में पढ़ रहा है, और अभी तक उनको ना तो लैपटॉप मिला है ना ही टैबलेट मिला है। अब आखिरकार सरकार इन स्टूडेंटों को लैपटॉप या टैबलेट कब तक। देखिए सरकार को फरवरी में ही लैपटॉप या टैबलेट वितरित करने चाहिए थे। देखिए अक्टूबर माह में तीन सत्रों के बकाया लैपटॉप यानी कि या टैबलेट जल्द वितरित की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक बजट जारी नहीं करने से वितरित नहीं हुआ है। मार्च में बोर्ड परीक्षा प्रस्तावित है, राज्य सरकार को चाहिए था कि इस साल बजट में राशि जारी कर फरवरी में ही लैपटॉप वितरित कर दिए जाते, लेकिन बजट की राशि ही जारी नहीं की। तो अभी तक आपके लैपटॉप या टैबलेट वितरित होने की कोई भी आशंका नहीं है कि कब वितरित होंगे। देखिए सरकार की तरफ से अभी तक की कोई अपडेट नहीं है आपको वितरित करने की, ना के बराबर है 4 साल के लैपटॉप वितरित, ना के बराबर मिलने, बिल्कुल वितरित होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। अब कोई अपडेट आती है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे, सरकार कब तक आपकी मांगे सुनती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके जाए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।